हेलो दोस्तों, आपका न्यूज स्टडी जोन में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार टीचर एग्जाम के लिए, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट वन होगा। इसमें जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और आई होप जरूर ये आपको हेल्पफुल करेंगे आपके एग्जाम में। इसमें हिंदी, ईवीएस, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन होंगे, और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आपके डे बाई डे रहेंगे। और मैथ्स की आपकी क्लास एक अलग से चलेगी, वो आज नहीं हो पाई है, कल तक हो जाएगी। आई होप कल तक वो हो जाएगी, आपको 10 दिन में आपकी हो जाएगी मतलब भर के, ठीक है। 10-20 क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे उसमें। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ सके, ताकि मैं भी आपके लिए वीडियो ऐसी बना सकूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का है पहला क्वेश्चन। कितने मैंने भी काउंट नहीं किए, बस लगे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, पंचम वर्ण का, चंद्र बिंदु का, स्वर का। तो अनुस्वार जो है आपका पंचम वर्ण का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट है, ठीक है, पंचम वर्ड का। आप यहाँ पे मत ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रही हूँ वो एकदम करेक्ट आंसर होंगे आपका, ठीक है। तो अनुस्वार जो है पंचम वर्ड का कार्य करता है, कि टाइपिंग में एरर हुई है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय, ई प्रत्यय, धानी या आनी। तो सावधान प्लस नी है ना, सावधान में ई प्रत्यय आप लगाएंगे तब आपका बनेगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट है, ई, ठीक है। नेक्स्ट है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में गी प्रत्यय है, ऑप्शन आपका ए राइट है। निम्न में से योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़, रूढ़ और आपका एक कौन सा लास्ट बचा, यौगिक। ये तीनों आपसे जरूर शब्द पूछे जाएंगे। तो योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है, रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टुकड़े करें भी तो कोई अर्थ उनका नहीं रहेगा, और यौगिक वो शब्द होते हैं जिसका आप अलग अलग टुकड़े हो जाए और उनका अलग अलग अर्थ हो, जैसे पीला, पर, जलज, दूध वाला। तो आपसे योग रूढ़ शब्द पूछा है, तो जलज है योग रूढ़ शब्द, क्योंकि जलज का अर्थ है कमल, जल में खिलने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। दूध वाला आपका यौगिक होगा, दूध प्लस वाला, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो पंकज, जलज अभी बताया, योग रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन आपका डी राइट है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, यानी जिसके टुकड़े ना किए जा सके, पंकज का हो जाएगा। विद्यालय आपका यौगिक शब्द है, जलज आपका योग रूढ़ शब्द है, तो बचा ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ सी। तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, कमल। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक, प्रति प्लस एक से मिलकर बना है, तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग होगा, ऑप्शन बी आपका राइट है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, नदी, घरों, लताओं। तो दर्शन का, दर्शन आपका ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, यानी बहुवचन है, क्योंकि दर्शन हम करते हैं, किया जाता नहीं, दर्शन किए जाते हैं, ठीक है। तो नदी का, नदियां हो जाएगा बहुवचन, तो आपका ऑप्शन बी राइट है, नदी आपका एक वचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा का कथाएं, लता का लताएं, कुटी का कुटिया। तो सरसों आपका जो शब्द है, ये दोनों वचनों में समान रहता है, यानी एक वचन भी इसका सरसों है, बहुवचन भी इसका सरसों है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आपके डी दिए हुए हैं, ए बी सी डी, यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होगा, अन प्लस अधिकृत। यहाँ पे हलत नहीं लगा, इसलिए ये वाला गलत हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट है, अन्न प्लस अधिकृत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडल में आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है? यानी सिंपल सा पूछ रहा है, व्यक्तिगत सिद्धांत,
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपसे पूछा है किसने दिया था, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा लॉर्ड डलहौजी ने इसे दिया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे ये, ठीक है। आते ही उन्होंने घोषणा की थी कि भारत के सभी देसी राज्यों का खात्मा कर कुछ ही समय में, समय की बात है, राज्यों के अधिग्रहण के लिए उसने हड़प नीति दी थी, और इसने जो है सतारा, जैतपुर, झांसी, उदयपुर इन सबको हड़पने के लिए, और सबसे पहले अगर पूछा जाए किस कौन सा राज्य हड़पा था तो सतारा हड़पा था, ठीक है, और अवध को कुशासन के आधार पर, और जो झांसी है वहां पर दत्तक पुत्र को जो है बता दिया था नहीं बैठेंगे शासन पे, उसके अकॉर्डिंग किया था, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है। तो हरे रंग की पत्ती को जब लाल प्रकाश में आप देखेंगे तो वो ब्लैक कलर की दिखाई देगी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। ये साइंस से क्वेश्चन थे आपके। 1857 भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। आपको 1857 के संदर्भ में आपको पढ़ना है और कथन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, सही बात है, इस जो 1857 का क्रांति है उसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये राइट है। बी आपका, यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू किया गया था, नहीं जम्मू कश्मीर से कहा, मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप ये गलत हो गया। सी क्या है, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, हाँ ये बात सही है। तो आपका ए और सी सही है, बी गलत है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा राइट है। ऑप्शन बी आपका राइट है, ए और सी आपके सही है किंतु बी गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो ये आपका तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सॉरी क्वेश्चन पूछ रहा कुतुब दिमाग का है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस राजवंश का संस्थापक था, तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है, 1206 में इसने किया था और इसे लाख वर्ष की उपाधि मिली थी, ठीक है। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और कुतुब मीनार की जो बनवाया था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, इसकी नींव डाली थी और इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अढ़ाई अजमेर में का 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और कुव्वत उद इस्लाम जो मस्जिद है ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मालवी काग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आपकी कालिदास की, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। दश कुमार चरित्रम डांडी की है, स्वप्नवास दत्ता जो है महाकवि भास की है, किराता अर्जुनियम भारवी की है। नेक्स्ट है कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका ईवीएस से क्वेश्चन है आपके, सरिस्का, दाचीग्राम, जिम कार्बेट, रानीखेत, तो हंगुल मृग संरक्षण के लिए आपका दाचीग्राम जो वन्य जीव अभ्यारण है वो है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट है। तीन खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा जिसमें प्रत्येक सदस्य लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है, यानी आयरन किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो आपको एनसीईआरटी के बुक में ही दिया गया पूरा, स्पिनेच, जागरी, आंवला, यानी पालक, गुड़ और आंवला, ठीक है, टोमेटो में नहीं, कैबेज में नहीं, ओनियन में नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट है, स्पिनेच, जागरी और आंवला, पालक, गुड़ और आंवला, ठीक। नेक्स्ट है जूट के पौधे का कौन सा भाग जूट का रेशा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका स्टेम है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ये आपके ईवीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं। पॉलीकॉट मिलाकर प्राप्त किया जाता है, पॉलीकॉट आपको पूछा है क्या मिलाकर जो है प्राप्त किया जाता है, नायलॉन और ऊन, पॉलिएस्टर और ऊन, नायलॉन और कपास, पॉलिएस्टर और कपास, तो ऑप्शन आपका डी राइट है, पॉलिएस्टर और कपास को जब मिक्स करते हैं तो आपका पॉलीकॉट बनता है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रॉन्ज, काश्य 2
धातु का मिश्रण है ये दो, हाँ काश्य जो है आपका दो धातुओं का मिश्रण है, वो दो धातु आपसे पूछी कौन सा है, मतलब कासा जो है किससे मिलकर बनता है ये आपसे सिंपल पूछा है। कॉपर और जस्ता, कॉपर और टिन, कॉपर और आयरन, एल्युमिनियम और टिन, तो कॉपर और टिन से मिलकर क्या बनता है आपका कॉपर कासा बनता है। और यहाँ पर अगर पूछा जाए पीतल आपका किससे मिलकर बनता है, तो पीतल के लिए बताया था पिताजी ट्रिक याद रखिए, ठीक है, तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनता है, ठीक है, और कासा आपका कॉपर और टिंक से मिलकर बनता है, कॉपर और टिंक। नेक्स्ट है फेरी एक तरह की नाव है, इसे इस्तेमाल किया जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फेरी आपकी जो नाव है वो केरल में यूज की जाती है, ठीक है, केरल में होती है, ऑप्शन आपका डी राइट है। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, तो बागवानी के लिए आपके सबसे अच्छा जो है यूरिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन एक सही जोड़ी बनाता है, सही जोड़ी आपको बताना है कौन बनाता है, ये आपको बताना है। कर्नाटक कथक का है, नहीं, असम बिहू का है, बिल्कुल सही, उड़ीसा भरतनाट्यम का, नो, तमिलनाडु लावड़ी, नो, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, लावड़ी आपका महाराष्ट्र का है, और कथक आपका यूपी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट है। कौन सा सही है, तो असम और बिहू का जो मैच है वो सही है। वीडियो को सभी लाइक करते रहे और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आप सभी। अब हमारे यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ आज की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेन जितने लिए गए हैं, ईवीएस के क्वेश्चन हमारे एंड हो गए, हिंदी के एंड हो गए, अब हमारी जीएस चल रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो पानीपत के तीन युद्ध हुए थे आपके, तो हम पूछ रहे हैं द्वितीय युद्ध आपका कब किनके इनके बीच लड़ा गया था, अकबर राणा प्रताप, अकबर भरमाल, अकबर और हेमू, अकबर और उदय सिंह, तो ऑप्शन आपका सी राइट है, जो द्वितीय युद्ध है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पहला आपका जो युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, ये लिखा हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। द्वितीय युद्ध आपको बता दिया अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में, और जो तृतीय युद्ध था वो 1761 में हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है, जो पद्मावत पिक्चर थी वो इसी पे बनी हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सी राइट है, अकबर और हेमू। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, ऑप्शन आपका ए राइट है, ये आपका बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी। तो आप किसी भी बुक से प्रिपरेशन करिए, आप अगर क्वेश्चन आपके लेवल में है तो वो हर एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बीपीएससी के लिए कोई अलग क्वेश्चन बनेंगे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, क्वेश्चन जितने आपको मिले बस प्रैक्टिस करते रहिए इस समय पे। अब तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो गया, इसमें आपको खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने जो है अपने आप को गोली मार ली थी, आत्महत्या की थी, ठीक है। नेक्स्ट, 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, तो 10 रुपए के नोट पर आपका आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, ऑप्शन आपका सी राइट है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसी के 2 दिन के बाद, और हाँ इसी में जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा है इन्हीं को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, इसी के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है बैठक हुई थी, उसमें आपको संविधान सभा का में राजेंद्र प्रसाद को स्थाई अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। और टोटल आपके संविधान सभा के अगर पूछे अधिवेशन कितने हुए हैं, तो टोटल आपके 11 अधिवेशन हुए हैं, और 11वें अधिवेशन की अंतिम तिथि आपकी क्या थी, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर 1949 की आखिरी बैठक थी, क्लियर है। 11 टोटल अधिवेशन हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। ये मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था उसमें ऑक्सीजन आंसर दिया था, तब भी मैंने कहा था इसमें डाउट है मुझे, कार्बोहाइड्रेट इसमें मेन आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कार्बन ग्लूकोज आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, उत्पाद पूछा है ना भोजन के रूप में, तो आपका ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन नहीं, जल निकल गया, ऑक्सीजन उड़ गई, बचा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है सी राइट है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर है, वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है, तो वो आपकी मीथेन है। ऑप्शन आपका डी राइट है। मीथेन का फॉर्मूला पूछे तो ये CH4 होता है, ये एल्केन है, एक पहला फर्स्ट एल्केन यही है CH4। ठीक है, गाय जो जुगाली करते हैं उससे भी आपकी कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है, पिंड के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, और कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक आपसे अगर कोई पूछे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम वॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई है, विद्युत शक्ति की आपसे पूछा है। यहाँ पर अभी मैंने बताया था शक्ति के क्या होगा, किलो वॉट आवर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, वॉट किसका है, ऊर्जा का है, जूल किसका है, ऊर्जा का है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत शक्ति की बात इसने की थी, तो किलो वॉट आवर, क्योंकि जो हम लोग घर में बिजली जो होती है वो बोलते हैं ना एक किलो वॉट आवर में इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा आपका एम्पियर का मात्रक होता है, विद्युत धारक का मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का वॉट होता है, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, कार्य बोले या ऊर्जा बोले उसका मात्रक जूल होगा, शक्ति की बात की जाए तो वॉट है। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत शक्ति की बात इसने की थी, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट आपसे पूछी थी इलेक्ट्रिक पावर की, तो वो किलो वॉट आवर है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो नागा अर्जुन, अर्जुन आपके कृष्ण, कृष्ण अर्जुन की जो दोस्ती रही थी, तो ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिए, कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, पोलावरम सिंचाई परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर है, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है, शिव समुद्र जलप्रपात आपसे पूछा जाता है, परियोजना कावेरी नदी पर है, यह जलप्रपात भी पूछा जाए तभी आपका कावेरी नदी से होगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी, तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो है आपकी शेरपा तेंजिंग जो है वो चढ़ी थी, और 1953 में इन्होंने चढ़ाई की थी अपनी। फिर अगर भारतीय, यहाँ पे पूछा जाता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी, तब हम नाम लेते बछेंद्री पाल जी का। ठीक है, और अरुणा सिन्हा जो है ये जो है कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली थी। ठीक है, तो यहाँ पे तीन लोगों की बात हुई है। मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है, तो आपको इधर इंडियन नेशनल आर्मी कौन, किसने इसकी स्थापना की, ये गदर पार्टी की स्थापना किसने की, मित्र मेला, होम रूल लीग, इन सबके बारे में बात करनी। तो गदर पार्टी आपको पता होगा लाला हरदयाल, वन बी का टू, बी का टू किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है। ठीक है, फिर और कौन सा आपको आता है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट ने किया है ना, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, बी का वन है, सॉरी मिला सही रहे देख गलत रहे, देख रहे हो ऐसे भी एग्जाम में कभी कभी हो जाता है, बी का वन है, तो बी का वन तो इसी में है सिर्फ, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मित्र मेला की अगर बात करें तो ये है वीडी सारवारकर, इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस है, और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले पंचायती राज की जो शुरुआत है वो राजस्थान के नागौर जिले से हुई, ऑप्शन आपका बी राइट है।
इसका उद्घाटन आपका कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ है राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है। उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा, अनाई मुड़ी, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अब आपके बिहार स्पेशल के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं और भारत छोड़ो आंदोलन से थोड़े होंगे इसमें। ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध में महाधिवक्ता के पद पर से त्याग पत्र दे दिया था, मतलब वो जो है जो थे, आपका आंसर इसमें ठीक है, पहली बात ये है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। महाअधिवक्ता के पद पर बलदेव सहाय जी थे, इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान त्याग पत्र दे दिया था, तो ऑप्शन आपका बी राइट है, बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ, तो पटना सचिवालय गोलीकांड आपका 11 अगस्त 1942 को हुआ था। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहां गिरफ्तार किया गया था, तो भागलपुर जिले में गिरफ्तार किया गया था श्री सचिन बख्शी जी को। किस पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चला था, तो योगेंद्र शुक्ल जो है ये तिरहुत षड्यंत्र से संबंधित है, इन्हीं पर मुकदमा चला था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की, तो प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना बिहार में श्रीमती अघोर कामनी देवी जी ने किया था, ऑप्शन आपका सी राइट है। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की, हर जिले की बात थोड़ी अलग अलग हुई, पटना में अलग है, ठीक है, तो इसको भी देखिएगा किस जिले की बात की जा रही है, तो मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने किया था। 1912 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन में किसे स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार में संयोजक कौन है, तो कौन है ये आपके देवकी नंदन है जिन्होंने बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, ऑप्शन आपका डी राइट है। गौर रक्षा के मुद्दे पर बिहार के साबात गया पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, ठीक है, गौ रक्षा के मुद्दे के लिए, तो वो कब हुआ था बिहार हिंदू और मुस्लिम दंगे, तो आपके 1917 में हुए थे चंपारण सत्याग्रह के आसपास। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, इसका तो आंसर सभी को पता होगा, बाकीपुर अधिवेशन में, ठीक है, बाकीपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले भाग लिया था। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई है, तो ये 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल की स्थापना हुई है। बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो यहाँ पर किसान आंदोलन का नेतृत्व सहजानंद तो है नहीं, ठीक है, तो बचे कौन, राजकुमार शुक्ल, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ कौन थे, सहजानंद महात्मा गांधी के साथ नहीं थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी चंपारण गए थे ना, तो इन्हीं के साथ में होंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ, ऑप्शन आपका ए राइट है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे, अभी आपको बताया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल शाकी ने मारा था किंग्स फोर्ड को, हत्या उनकी करने का प्रयास किया था, मरे नहीं थे, ठीक है, तो खुदीराम बोस ने इनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और प्रफुल्ल शाकी ने खुद को गोली मार ली थी, तो यहाँ पर खुदीराम बोस के वकील कौन थे, कालिदास बसु थे, ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट, बिहार में चौकीदार वन मिनट बिहार में चौकीदार कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ, तो ये बेतिया में हुआ है। चौकीदार कर बंदी आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, तो अनुराग सिंह थे, ऑप्शन आपका सी राइट है। सचिन नाथ सान्याल ने कहा अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, तो अनुशीलन जो समिति है उसके जो संस्थापक है वो सचिन नाथ सान्याल है और पटना में किया, तो ऑप्शन आपका राइट है। असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन से नेता पुड़िया से संबंधित है, तो यहाँ इनमें से पुड़िया से कौन संबंधित है, तो हसन इमाम जो है आपके वो पुड़िया से संबंधित है। नेक्स्ट है, सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था, तो सत्ययुग जो है ये आपके पुरुषोत्तम नारायण नंदा जी की, ऑप्शन आपका बी राइट है।
बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? अमर सिंह जो है कुंवर सिंह के, वीर कुंवर सिंह के भाई थे छोटे। 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है? तो पटना लॉन जो है उसका नामकरण गांधी मैदान किया गया, वो कब किया गया? भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो मुंगेर में किसान सभा का गठन, इनमें से सहजानंद भी थे, मोहम्मद जुबैर भी थे, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, उनमें से एक से अधिक। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन, तो रविदास देख के रविदास मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जगजीवन राम ने जो है रविदास सभा का गठन किया था, ऑप्शन सी राइट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारपुर गोली कांड की घटना कब हुई? तो तारपुर गोली कांड की घटना 15 फरवरी 1932 ईस्वी में हुई थी। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो ये धरती अब्बा का अवतार मानते थे। 1857 के दौरान बिहार में कहां के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका? तो ये तिरहुत में क्या हुआ था, 5-6 महीने तक कोई भी आक्रमण वगैरह नहीं हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जो है अंग्रेजों का शासन हट गया है, ठीक है, मतलब समाप्त हो चुका है सरकारी प्रशासन, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।